कहेंगे कि ये जो आपको पढ़ना है पॉजिटिव वर्ब, इस समय आपके एग्जाम्स के इस समय चल रहे हैं और बहुत सारे पेपर्स को आपको फेस करना पड़ रहा होगा, तो उसी में से एक पॉजिटिव वर्ब से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनसे संबंधित आप चाहें तो कुछ ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन चूंकि पॉजिटिव वर्ब के बारे में आपको पता नहीं होता है इसलिए हमको हल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव वर्ब यानी इसमें जो शब्द हमारा मूल है वो है पॉज, यानी एक सब्जेक्ट जो होता है वो एक कारण का कार्य करता है, एक प्रेरणा का कार्य करता है, जिसकी वजह से इस प्रकार जो सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें पॉजिटिव वर्ब के रूप में जानते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं और फिर समझेंगे कि हमारी उपयोगिता क्या है, अर्थात किस रूप में यह पॉजिटिव वर्ब काम करता है। ही मेड मी टू लाफ, ये बात आप देख रहे होंगे ही मेड मी टू लाफ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एग्जाम्स में दी जाने वाली एक एरर जो पॉजिटिव वर्ब से बिलोंग करती है वो ये है कि अगर हमें पॉजिटिव के रूप में मेक का, कॉज का, लेट का प्रयोग करते हैं तो हमें एक्टिव पास्ट में स्पेशली कभी भी फुल इंफिनिटिव नहीं लेगा, यानी जो हमारे मेन वर्ब है उसके पहले जो टू है वो हमें हटाना होगा, यानी जो टू है ये एरर पॉइंट है। यानी पॉजिटिव वर्ब में हम इस तरीके की चीजें अक्सर देखते हैं। एक और बात देखते हैं, I was made to laugh. अभी जब हमने यहां बात की है, he made me to laugh, ये बाकी गलत था, लेकिन जैसे हमने कहा I was made to laugh, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज किया, अब ये वाक्य आपका टू के साथ सही हो जाएगा। यानी हम सीखेंगे अभी कि कहां पर हम टू लेते हैं और कहां पर नहीं लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज से हम पॉजिटिव वर्ब जो आपके एग्जाम्स में बहुत उपयोगी है। सबसे पहले एक चार सेंटेंसेस हम देखते हैं। उसने मुझे हंसाया, हमने उसे दौड़ाया, रवि ने सोहन को बुलवाया, हमने यह कार्य मोहन से करवाया। ये चार प्रकार के बात है, अगर आप ध्यान देखेंगे तो उसने मुझे हंसाया यानी हंसा मैं, लेकिन मेरे हंसने के पीछे जो कारण है वो सबसे, हमने उसे दौड़ाया, दौड़ा वह लेकिन उसके दौड़ने के पीछे हम यानी ये सबसे कारण है। रवि ने सोहन को बुलवाया, बुलाया गया सोहन, बुलाया किसी और ने, लेकिन उसके आने और उसके बुलाने के पीछे जो कारण है वो रवि। हमने यह कार्य मोहन से करवाया, किया गया यह कार्य किया मोहन ने, लेकिन उसे करने के पीछे जो कारण है वो ये सब्जेक्ट हम। यानी हम देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर के दोनों सेंटेंसेस हैं इनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधे इंस्पायर करना, यानी वो सीधे सीधे कारण का कार्य कर रहा है, लेकिन ये जो लास्ट के दो सेंटेंसेस हैं इनमें सब्जेक्ट सीधे कार्य नहीं कर रहा है, कार्य करने वाला बुलाने वाला सोहन ये उसके पीछे एक थर्ड पर्सन, कार्य हो रहा है मोहन कर रहा है लेकिन उसके पीछे हम यानी एक थर्ड पर्सन, यानी दो रूल्स हमारे बनते हैं स्पेशली कास्टिव के, पहला वो जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे इंस्पिरेशन दे और दूसरा जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सीधे इंस्पायर ना हो, यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसके पीछे कार्य करने की कोशिश, यानी यहां डायरेक्ट इंस्पिरेशन है और यहां इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन। जब हम डायरेक्ट इंस्पिरेशन की बात करें जैसे उसने मुझे हंसाया, हमने उसे दबाया, रवि ने
उसे भगाया, मां ने बच्चे को सुलाया, गुड़िया ने उसे नचाया। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, जो हंसाना, दौड़ाना, रुलाना, हंसाना, भगाना, नचाना, सुलाना, ऐसे वाक्यों में हम टेंस के आधार पर मेक या पास्ट का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला हमारा रूल है, हम उस पर काम करते हैं। सबसे पहला रूल है वो है सब्जेक्ट ले लें, फिर मेक ले लें, ऑब्जेक्ट ले लें, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम चाहें तो मेक के स्थान पे पास्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट ले लें, पास्ट ले लें, ऑब्जेक्ट ले लें, लेकिन यहां जब हम मेक का प्रयोग करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लें विदाउट चू, लेकिन जब हम पास्ट का प्रयोग करें तो फुल इंफिनिटिव ले लें, टू प्लस वर्ब। ये हमारा स्ट्रक्चर है। हमारे एग्जाम्स में इन्हीं पर आधारित सेंटेंसेस हमको ले जाते हैं। अब हम एक बात करके देखते हैं, रवि ने सोहन को हंसाया। ध्यान से देखो, हंस सोहन लगा, लेकिन हंसने के पीछे जो कारण है वो रवि। अगर हमको इस मन में आता है कि रवि सोहन को डायरेक्ट जो इंस्पिरेशन दे रहा है वो सीधे सीधे काश है, तो हम यहां पे मेक या पास्ट का टेंस के आधार पर काम करें। दो चीजें ध्यान रखेंगे, पहला जो हमारा टेंस रहेगा उसका प्रभाव सीधे सीधे मेक या पास्ट पे आएगा। दूसरा, जब हम एक मेक या पास्ट का प्रयोग कर ले तो पहले ऑब्जेक्ट ले फिर वर्ब। अब जैसे इस वाक्य को अगर हम करते हैं तो रवि, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, रवि मेड, और पहले ऑब्जेक्ट ले सोहन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रवि मेड सोहन लॉफ। ये कुछ अगर यही बात के हम चाहें तो पास्ट की सहायता से भी कर सकते हैं। रवि पास्ट सोहन, लेकिन जैसे हमने पास्ट का प्रयोग किया हमको फिर फुल इंफिनिटिव लेना होगा, टू लॉफ हो जाएगा। यानी जब भी सब्जेक्ट सीधे सीधे इंस्पिरेशन दे रहा हो तो फिर हमें मेक का या पास्ट का प्रयोग करना है। ध्यान में रखना है कि मेक या पास्ट उसी आधार पर प्रयोग होगा जिस आधार पर हमारा टेंस है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना होगा और फिर वर्ब लेंगे। मेक के प्रयोग के साथ एक्टिव पास में हमेशा सिंपल इन्फिनिटिव, यानी हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करें, और पास्ट के साथ हमेशा फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग। एक बात और करके देखते हैं, सीता ने बच्चे को सुला दिया। यह सेंटेंस बता रहा है कि सीता नहीं सो रही है, बच्चा सो रहा है, लेकिन बच्चे के सोने के पीछे जो कारण है, इंस्पिरेशन है, वो सीता। और चूंकि सीधे इंस्पिरेशन दे रही है वो सोने का, तो हमें मेक या पास्ट का उपयोग करना है। कैसे है? हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग हो रही है, सीता है, और मेक की थर्ड फॉर्म आ जाए, सीता हैज मेड। किसको सुना दिया? बच्चे को। सीता हैज मेड द चाइल्ड, और हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेने के साथ रहेगा श्री। यही बात अगर हम पॉज के साथ करें तो बात ये हो जाए, सीता हैज पास्ट द चाइल्ड, और अब चूंकि हमने पास का प्रयोग किया है तो फुल इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू। ये वो पहला रूल है जो हम तैयार कर सकते हैं। फिर से समझिए, अगर कोई किसी को हंसा रहा है, रुला रहा है, दौड़ा रहा है, भगा रहा है,
नचा रहा है, सुला रहा है, मीन सीधे इंस्पिरेशन दे रहा है, तो वहां टेंस के आधार पे हम मेक या पास्ट का प्रयोग करें। ध्यान रखें टेंस के आधार पर, जो भी टेंस कब तक आएगा वो यही क्या है, और पहले ऑब्जेक्ट में और फिर मेन वर्ड की फॉर्म यूज करें। मेक का प्रयोग करें तो एक्टिव वॉइस में डेयर इन इंफिनिटिव लें, विदाउट टू वर्ब लें, और पास लें तो फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करें। तो इस तरीके से वाक्य हमें यह समझना है, अगर यही वाक्य हमें एक्टिव वॉइस में न देकर के पैसिव वॉइस में दिया जाए, तो फिर यहां जो मेक के साथ हम डेयर इंफिनिटिव ले रहे हैं वो मेक के साथ हमारी फुल इंफिनिटिव हो जाए। ये वाक्य देखें, इस तरीके से हमारे एग्जाम्पलों को दिया जा सकता है। बाय द ठीक है, ये वाक्य है द मैन वाज मेड। अगर आप स्ट्रक्चर समझते हो, ये एक पैसिव का स्ट्रक्चर है, मेड वी हो बाय द। जैसे हमने देखा कि मेड के तुरंत बाद वी पाया, इट मींस ये हमारा पॉजिटिव वर्ड, और अगर ये पॉजिटिव है और इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, पैसिव वॉइस का है, यानी ये जो वी हमारा है यहां क्या होना चाहिए था, टू वी होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान में रखना, यानी एक्टिव वॉइस में हम है तो मेक के साथ बेयर इन्फिनिटिव लें, और पैसिव वॉइस में है तो हम फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लें, उससे हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। शायद अब हम ये समझ सकते हैं, ये बात है रवि सोहन को नचा रहा है, ठीक है। अब कोशिश करें इसे करने की, क्या हम इसको दोनों वॉइसेस में कर सकते हैं, क्या एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में दोनों कर सकते हैं, तो देखें रवि टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रवि इज मेक और पहले ऑब्जेक्ट सोहन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रवि इज मेकिंग सोहन डांस। लेकिन यही चीज अगर हमको पैसिव वॉइस में कर रहा तो देखें क्या फर्क आ जाए, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा सोहन, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, सोहन इज बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म सोहन इज बीइंग मेड, टू डॉट्स बाय रवि। दिस इज, तो आपको जो समझना वो ये है, जैसे आपने देखा मेड के बाद सीधे वर्ब आई, तो फिर ध्यान रहे कि पैसे पास के स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको यहां क्या लगाना है, टू लगाना है। लेकिन यहां पे आपका देखिए रवि इज मेकिंग सोहन, मेकिंग के बाद ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब आपकी है, इट मींस यहां पे आपको एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस में आपको टू का प्रयोग नहीं करना। दूसरा रूप है दूसरा सेंटेंस आपको ऐसे मिलेगा, हमने सीता को बुलवाया, ठीक है। ये वाक्य आप ये ध्यान से लिखें, हमने सीता को बुलवाया, थोड़े से अगर हम सेंस का प्रयोग करेंगे तो हमें समझ आएंगे कि हमने नहीं बुलाया, हमने किसी से कहा फिर उसने सीता को बुलाया। इनमें से आप तीन लोग, जबकि अभी जो सेंटेंस आप पढ़ रहे थे रवि ने सोहन को नचाया, तो रवि ने सीधे सीधे उसे नचाने का कार्य किया, जबकि यहां पे हमने सीधे सीधे सीता को नहीं बुलाया, हमने किसी से कहा उसने सीता को बुलाया, ठीक है। यानी हम तीन लोग हैं तो हमारा डायरेक्ट इंस्पिरेशन नहीं, हमारा इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन है। ऐसी स्थिति में हम यहां पे हमारा रूल जो होगा वो इस तरीके से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर टेंस के आधार पर मेक या पास का प्रयोग न करके हम हैव या गेट का प्रयोग करें, हैव या गेट, फिर वही तरीका, चूंकि पॉजिटिव वर्ब है तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाए, और यहां थोड़ा सा फर्क आएगा कि जो हैव या गेट का प्रयोग करेंगे इसके साथ आपकी वर्ब की
ये अंतर आ जाए। यानी अगर डायरेक्ट इंस्पिरेशन न लेकर के इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन दिया जाए, किसी और के द्वारा कार्य करवाया जाए, तो हम टेंस के आधार पर हैव या गेट का प्रयोग करें। अब हम इसे दोनों तरीकों से करते हैं। तो सब्जेक्ट वी हो गया, वी हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, यानी सेकेंड फॉर्म हैव या गेट की सेकेंड फॉर्म। तो वी हैव पहले ऑब्जेक्ट सी था और बिल्कुल इजी है वर्ब के परफॉर्म। अगर यही बात हम हैव से न करके गेट से करें, वी गॉट सी था वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट। इस तरह से बात हम एक और बात देख लेते हैं। पिताजी ने यह कार्य मुझसे करवाया, ठीक है। पहले यह समझें कि क्या यह पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखें तीन चीजें। कार्य करवाने वाले मेरे पिता हैं, कार्य करने वाला मैं हूं, और जो कार्य हो रहा है वो यह कार्य। इन तीन लोगों में डायरेक्ट इंस्पिरेशन। अगर मेरे पिताजी ने डायरेक्ट जो ये कार्य किया होता तभी पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये कार्य मुझसे यानी मेरे द्वारा करवाया, यानी ये चीज आपका हैव या गेट का प्रयोग हो जाए। एक चीज जो अच्छे जान सकते हैं, अच्छी चीज जिसे है वो ये है कि इस प्रकार के वाक्य में जहां सब्जेक्ट किसी और के द्वारा कार्य कराता है उसे हम इस नाम से जानते हैं, सेमी पास्ट। बहुत सारे बच्चे जो है आपने पहली बार ये शब्द सुनेंगे कि हम केवल एक्टिव और पैसिव न जाने, हम सेमी पैसिव भी जाने, और समझ सकते हैं कैसे ऐसा है। क्योंकि कार्य को सब्जेक्ट के द्वारा ही करवाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या हो गया एक्टिव, लेकिन कार्य किसी और के द्वारा किया जा रहा है ऐसी स्थिति में हो गया पैसिव। यानी आधा ये एक्टिव है और आधा पैसिव है, जिसकी वजह से ऐसे वाक्यों को जिसमें आप इस तरीके से हैव या गेट का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सेमी पैसिव के नाम से भी जानते हैं। जो नई चीज आपके लिए बेहतर है कि ऐसे वाक्य जिसमें कार्य सब्जेक्ट करवाए लेकिन वो किसी और के द्वारा करवाए, ऐसे वाक्यों को हम सेमी पैसिव जानते हैं। अब इस वाक्य का हम पैसिव बनाएंगे, पॉजिटिव वर्ब के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरे पिताजी ने यह कार्य मुझसे करवाया, सबसे पहले सब्जेक्ट लें माय फादर, फिर टेंस के आधार पर हम ले लें हैव या गेट माय फादर, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है हो जाएगा हैव, पहले ऑब्जेक्ट मी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म माय फादर हैड मी डन। एक मिनट, एक चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, अगर आप यह कार्य ले लें यहां ले लें दिस वर्ब, दिस वर्ब डन, और किसने किया था मैंने, तो बाई मी। ये कार्य हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन आगे हम आएंगे। अगर यही वाक्य गेट के तरीके करें माय फादर गॉट दिस वर्क डन बाय, ये दो चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं। एक जिन्हें सब्जेक्ट सीधे इंस्पायर कर रहा है तो वहां मे या पास का प्रयोग करें, और एक जिसमें सब्जेक्ट सीधे इंस्पिरेशन न दे करके किसी और के द्वारा कार्य करवा रहा है तो हम टेंस के आधार पर हैव या गेट का प्रयोग करते हैं। अभी दोनों वाक्य देखते हैं। कप्तान ने खिलाड़ी को दौड़ा, आप विश्वास करें अगर ये पॉजिटिव वर्ब आप न जाने तो आप इस वाक्य को इस तरीके से करेंगे, आप द कैप्टन रैन डॉग प्लेयर, जो कि गलत होगा, आपको समझना होगा ये पॉजिटिव वर्ब है इसलिए आप ऐसे ही आप इस
वाक्य को करना होगा दो तरीके से। द कैप्टन मेट द प्लेयर, और चूंकि मैंने मेक का प्रयोग किया है तो प्लेयर इन्फिनिटिव आ गया। और अब ये वाक्य देखें, हमने उसे नहीं बुलवाया, तो हमने उसे नहीं बुलवाया यानी हमें हैव या गेट का प्रयोग करना, तो वी टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अगर वी डिड नॉट है और फिर आपसे कर रहे हो हिम वर्क इट परफॉर्म, वी डिड नॉट है हिम ऑन, ये से अगर हम गेट के साथ करें तो वी डिड नॉट गेट हिम, ये वो दोनों रूल्स हैं जिनके सहारे आप चाहे तो एक पॉजिटिव वर्ब को समझ सकते हैं। इसमें एक और चीज बेहतर जो आप कर सकते हैं वो ये, अध्यापक ने यह कार्य छात्रों से करवाया। जो पहले दोनों तरीके हैं वो आराम से आप यूज कर सकते हैं, द टीचर हैड दिस वर्क डन बाय दूसरा भी तरीका आप समझ सकते हैं, द टीचर गॉट दिस वर्क डन बाय द स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे आप एक तीसरा तरीका भी आता है कि अगर आप इस सेमिंग पैसिव के स्ट्रक्चर को एक्टिव में बदलना चाहते हैं तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, द टीचर है अब जो कार्य किया उसे पहले रखेगा, द टीचर है द इंस्ट्रूमेंट, द टीचर है द इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने कार्य करने वाले को पहले लिया तो आपके वर्ड फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, आपके पास में आ जाएगा, द टीचर हैड द स्टूडेंट डू दिस वर्क, इच्छा और जो आपके काम आया। यही बात अगर हैड से ना करके आप गेट से करें तो देखिए क्या फर्क आ जाए, द टीचर बॉट द स्टूडेंट। अब जैसे ही ऐसी अवस्था में आपने गॉड का प्रयोग किया एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर में तो आपकी इन्फिनेटिव फुल हो जाए, द टीचर गॉड द स्टूडेंट टू डू दिस वर्क, ये फर्क है। एक और सेंटेंस करके देखते हैं, यह पत्र सीता से पढ़वाया। ध्यान से देखें तीनों एक आगे हैं, जिसने कार्य करवाया वो भी, जिसने यह कार्य किया वो भी, और जो कार्य किया गया वो, यानी यहां हमारे पास फिर से चार तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ही है और ऑब्जेक्ट ले हम जो कार्य किया ही है दिस लेटर, तो ऐसी अवस्था में इसके नहीं पैसे दे रहे हैं कि है दिस लेटर रेड बाई सीता, अगर हम है का प्रयोग न करके गॉट का प्रयोग करें तो ही गॉट दिस लेटर रेड
डिवाइडेड बाय सी। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे हम सेमी पैसिव से पलट करके एक्टिव में बदल सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? ही गॉट, जिसने पत्र पढ़ा उसे कहेंगे ही गॉट सी पत्र। अब ये एक्टिव पास के स्ट्रक्चर हो, जब एक्टिव पास के स्ट्रक्चर हो गया अब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन चूंकि मैंने हायर न लेकर के गॉट ले लिया, यहां फुल इन्फिनिटिव आ जाएगा, ही गॉट सी पत्र टू रीड दिस लेटर। यही अगर गॉट न लेकर हम हैव ले लें तो बात ये हो जाए, ही हैड सी था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड दिस लेटर। ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ब है जिसमें स्पेशली दो रूल्स हमें तैयार करने होते हैं। पहला, जिसमें अगर सब्जेक्ट सीधे सीधे इंस्पायर कर रहा है, मैं उसको किसी को हंसा रहा है, रुला रहा है, दौड़ा रहा है, भगा रहा है, नचा रहा है, सुला रहा है, तो टेंस के आधार पर ध्यान रखें, टेंस के आधार पे हम मेक या पास का प्रयोग करें। जब हम मेक या पास का प्रयोग करें ध्यान रखें मेक के साथ हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव आएगा जबकि पास के साथ फुल इन्फिनिटिव। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जब हम पैसिव पास्ट का बनाएंगे, पैसिव पास्ट के स्ट्रक्चर में मेक के साथ हमारी कभी भी बेयर इन्फिनिटिव नहीं आएगी, हमेशा फुल इन्फिनिटिव आ जाएगा। लेकिन दूसरा रूल है जब हम कार्य किसी मतलब किसी और के बाद हम करवा लेते हैं, यानी हम डायरेक्ट इंस्पिरेशन नहीं दे रहे, जैसे हमने उसे बुलवाया, हमने उसे पिकवाया, हमने भोजन पकवाया, इसमें हम कार्य किसी और के द्वारा करा रहे हैं। जब हम कार्य किसी और से कराएं तो कभी भी हम मेक या पास का प्रयोग न करके टेंस के आधार पर ध्यान रहे, टेंस के आधार पर हैव या गेट का प्रयोग करते हैं। हैव या गेट के साथ अगर हम सही पैसे में करते हैं हमें कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अगर हम उसे एक्टिव में बदलते हैं, कार्य करने वाले को पहले रेफर करते हैं, तो हैव के साथ तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी, विदाउट टू लेकिन गेट के साथ हमें साथ फुल इन्फिनिटिव यूज करनी है। तो अब हमें लॉजिकली ये देख लें कि क्या हम दिए गए वाक्यों को करेक्शन कर सकते हैं। I met him to be. He was met love. I got this word. I got Sohan done this work. Acha, they had this work. Keep acha. पहला वाक्य है आई मेट हिम टू बी, एक्टिव पास मैंने उसे रुलाया, ठीक है। तो आई मेट हिम, मेट के साथ हमने ऑब्जेक्ट लिया, यानी यहां कभी भी फुल इन्फिनिटिव नहीं आया, आई मेट हिम वी कुछ। लेकिन ये वाक्य देखिए, ही वाज मेड लॉफ, मेड के तुरंत बाद लॉफ है और ये स्ट्रक्चर पैसिव पास्ट का है तो ये गलत है, ही वाज मेड टू लॉफ। आई गॉट दिस वर्क डू, हमने आई लिया, गॉट लिया, लेकिन जो कार्य हुआ वो पहले, यानी सेमी पैसिव का स्ट्रक्चर। अगर यहां पे करने वाला रहेगा तब हम सोचेंगे आप, लेकिन अगर जो कार्य किया गया वो पहले गए तो हमेशा वर्क के थर्ड फॉर्म आ जाए, आई गॉट दिस वर्क डन हो जाए, मैंने यह कार्य करवाया। आई गॉट सोहन डन दिस वर्क, आई गॉट सोहन, जो कार्य किया वो हमने पहले लिया, यानी यदि पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं एक्टिव का स्ट्रक्चर है तो आई गॉट सोहन तो यहां फर्स्ट फॉर्म होगी, आई गॉट सोहन डू दिस वर्क, सॉरी आई गॉट सोहन
टू डू हो जाएगा, गेट की वर्सी टू डू दिस वर्क. दे हैड दिस वर्क डू, दे हैड दिस वर्क, यानी जो कार्य हुआ वो हमने पहले रखा हुआ है, तो दे हैड दिस वर्क डन हो जाएगा, वर्क की परफॉर्म हो जाएगा. इसके अलावा भी लेट के द्वारा भी आप पॉजिटिव बना सकते हैं, कीप के द्वारा, प्रूफ के द्वारा. लेकिन फिर कभी अभी हमारा मेन रूल जो है वो दो है कि अगर हमने कार्य डायरेक्ट टेंस पेरिशन के थ्रू कराया तो हम टेंस के आधार पर मेक या पास्ट का प्रयोग करें, और अगर हमने किसी और के द्वारा कराया तो फिर हैव या गेट का प्रयोग करें. जो एक अच्छी चीज हमें जानी वो है कि जिस स्ट्रक्चर में हम बाई का प्रयोग करते हैं किसी और से कार्य करवा के, उसे सेमी पैसिव कहते हैं. लेकिन जब उस कार्य करने वाले को हम पहले रख लेते हैं तो फिर वो सेमी पैसिव नहीं, एक्टिव के स्ट्रक्चर में हो जाता है. ये चीजें आपके एग्जाम्स में काम आएंगे, अगर आप तैयार करेंगे तो फिर एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इसमें से. मार्कर नंबर